अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक हैं। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शहरी से, और 3:30 बज रहे थे और मैं बनाने जा रही हूँ शहरी। तो सबसे पहले मैं बना रही थी रोटी और दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी, और एक साइड पर मैंने सब्ज़ी गर्म करने के लिए रखी हुई है। और इतनी देर में मैं ये शहरी तैयार करूँगी, इतनी देर में मेरे हस्बैंड फ्रेशन अप हो जाएंगे और ब्रश वगैरह करके रेडी हो जाएंगे। वो उन्हें उठा दिया है मैंने, और आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग है शहरी का, शहरी रूटीन का। लेकिन शहरी में बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं सारे काम, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आज मैंने, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 से 2 दिन के अंदर मैं ज़रूर शेयर करूँगी शहरी रूटीन अपना, तो आज मैंने वीडियो थोड़ी सी शूट की थी शहरी की। और शहरी के टाइम में मैं ज़्यादातर जवे या सेवई वगैरह बनाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड के गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने आज चाय बनाई है। इसलिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और मैं चाय बनाऊंगी आज। मैं फैनी या सेवई वगैरह नहीं बना रही हूँ, तो मैंने एक साइड पर चाय बनने के लिए रख दी है। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शक्कर, जो कि हम लेकर आए थे, और शक्कर की चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये मैंने दाल भी गरम कर ली है, और इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी। और शहरी के टाइम वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं होता है, तो थोड़ा सा घी वगैरह डालने के बाद थोड़ा टेस्ट आ जाता है किसी भी सब्ज़ी में, तो थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाल लिया था इसलिए। और मैं डीमार्ट से लेकर आई थी मिश्री, तो वो मैंने पानी में डालकर रख दी है मिश्री, क्योंकि ठंडी होती है। और मैंने रोटी पर भी थोड़ा सा घी लगा दिया है, तो मिश्री को भी मैं साथ के साथ घोलते जाऊँगी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को जाना था नोएडा, तो ताकि उन्हें प्यास महसूस ना हो। इसलिए मैं आज थोड़ी ठंडी चीज़ें उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही थी, बट आज दही मैंने नहीं जमाया था। दही मैं घर पर ही जमाती हूँ ज़्यादातर, तो दही मैं नहीं जमा पाई थी, तो इसलिए मैंने मिश्री का पानी बना कर रख रही हूँ, ताकि खाना खाने के बाद में वो एक गिलास ये मिश्री का पानी ले लें। उसके बाद में हमने खाना खा लिया था और शहरी खा ली थी हमने, तो फिर भी काफ़ी टाइम बच रहा था मेरे पास, तो इस टाइम में मैं अपने बेटे के लिए लंच तैयार कर लेती हूँ, टिफ़िन बना लेती हूँ, क्योंकि उसका टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा जल्दी का होता है। तो किचन वगैरह मैं क्लीन कर देती हूँ अभी शहरी के टाइम, तो इसलिए मैं अभी उसका भी लंच रेडी कर देती हूँ। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पराठे ट्रायंगल वाले। और 6 बजे मुझे उसे उठाना होता है, और 5 बजे हमारा शहरी का टाइम 4:45 बजे ख़त्म हो जाता है, तो 1 घंटे का ही डिस्टेंस रहता है, तो इसलिए मैं अभी उनका बना के रख देती हूँ टिफ़िन। और उसको पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, पराठे खा के वो बोर नहीं होता है कभी भी, और कभी भी लंच बॉक्स में पूछो तो पराठे ही बताता है बनाने के लिए। और पराठे के साथ मैं अचार वगैरह नहीं देती हूँ बच्चों को, वैसे अचार कम ही खिलाना चाहिए, वैसे उसको मैंने आदत भी नहीं डाली है अचार के लिए, तो वो अचार नहीं मैं उसको देती हूँ, या तो सॉस के साथ या तो फिर जैम के साथ मैं पराठा उसको देती हूँ।
तो ये लंच बॉक्स मैंने वॉश करके रख लिया था रात में ही, और इसमें मैं लगा लूँगी फॉइल पेपर अच्छे से। और इसके बाद मेरा काम किचन का ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ सुबह शहरी में ही। और सारे बर्तन वगैरह समेट कर और साथ में ही वॉश कर देती हूँ फिर। और कुछ देर बाद ही मेरे बेटे का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, और इसके बाद हम शहरी वगैरह खाने के बाद में नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान वगैरह पढ़ के और फारिग होते हैं, तभी फिर उसके जाने का टाइम होता है। तो दोबारा से मन भी नहीं होता है कि किचन फिर से गंदा हो जाता है अगर कोई भी काम हम फिर से करने लगे तो। मैं नाश्ता करा के उसका लंच पैक ऑलरेडी मैं कर चुकी होती हूँ, तो मैं उसको इजीली भेज देती हूँ फिर स्कूल नाश्ता कराने के बाद। तो ये मैं टॉप काउंटर को क्लीन कर लूँगी अभी। तो मैंने टिश्यू पेपर को थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि ये जो आटा वगैरह यहाँ पर रह गया था ये अच्छे से साफ़ हो जाए, और जितने भी गैस पर स्पॉट्स लगे हुए हैं ये भी क्लीन हो जाए। तो अभी शहरी में हमारा टाइम बच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एक साइड पर चाय रखी हुई थी बनाने के लिए, और मैंने थोड़ा सा टाइम बचा तो मैंने लंच भी इसका रेडी किया था अपने बेटे का। तो ये मैंने डाल दी है सॉस, और मैं इसके बना लूँगी रोल। उसको इसी तरह के पराठे पसंद हैं। या तो फिर कभी कभी मैं उसको पिज़्ज़ा पराठा बनाकर दे देती हूँ। अगर बच्चों के लिए लंच के लिए पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये कुछ ग्रेप्स रखे हुए थे तो मैंने थोड़े से इसमें लंच बॉक्स में भी पैक कर दिए हैं, आई होप कि वो खा ले। और अब किचन पूरा क्लीन करने के बाद मैं देने लगी हूँ अपने हस्बैंड को चाय, जो कि मैंने सिर्फ उनके ही लिए बनाई है। और हाँ, शहरी हमने नहीं की थी, सॉरी मैं भूल गई थी यहाँ पर बताना, क्योंकि मैंने जब शहरी बना ली थी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलने के लिए गई थी, तो वो तहज्जुद पढ़ रहे थे, तो इसलिए फिर उन्होंने ताज़ुत पढ़ने के बाद में ही शहरी खाई थी। और मैं पानी वगैरह सब लेकर जा चुकी हूँ अब शहरी के लिए, और अब हम इसके बाद शहरी खाएंगे। और मैं साथ साथ ये पानी भी घोल लूँगी, ये मिश्री अभी तक नहीं अच्छे से घुली है। तो ये इसका पानी देना है मुझे सबसे लास्ट में। और ये शहरी वगैरह करने के बाद हमारा किचन हो गया है एकदम क्लीन मैंने, और अभी मेरे बर्तन रह गए हैं वॉश करने के लिए। और ये मैं आई हुई हूँ कुछ सैंडल्स के लिए, हमारे यहाँ पर एक सेल लगी हुई है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था सैंडल्स का, लेडीज़ फुटवेयर का, हील्स का। ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, स्टोन्स वगैरह में हील्स में थी, फ्लैटर थी, और काफ़ी अच्छी सैंडल्स अवेलेबल थी। और ये ट्रांसपेरेंट वाली हील भी थी इसमें।
200 वाला ये सेक्शन था। और ये देखें वेलवेट वाली ये स्लीपर थी, इस पर वर्क हो रखा था, बट मुझे ये इस टाइप के सैंडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और ये वाली सैंडल बहुत प्यारी थी, हील वाली, और इस टाइप की भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, सिंपल एंड सोबर। और ये वाली सैंडल मैंने पसंद की थी, बट मेरा साइज़ इसमें नहीं मिला, ये काफ़ी बड़ा साइज़ था। और ये सेकंड सेक्शन बना हुआ था, यहाँ पर फ्लैट सैंडल्स थी और इनका प्राइस था 150। और ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर भी, और अभी काफ़ी कम भी है वैरायटी यहाँ पर। ये देखें इन सभी का प्राइस 150 रुपीज़ था। और एक ये वाली भी बहुत प्यारी स्लीपर्स थी, और ये वाली भी, और एक ये मैं ट्राई करके देख रही थी फ्लैट वाली, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और बैलीज भी थी इसमें, बैली भी काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर। और ये रूम्स वाली स्लीपर हैं, बिल्कुल वॉर्म जो रहती हैं, और काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल था, काफ़ी सॉफ्ट थी ये, और ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बट ये सेल हो चुका था। और ये बच्चों का कलेक्शन था। और ये वाली इसमें ये कलर था एक, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, स्लीपिंग किटी। और ये मैंने बाय की थी, और ये वाली स्लीपर्स मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं, और वो इनको छोड़ ही नहीं रहा था। और एक ये मैंने अपने बेटे के लिए सैंडल ख़रीदी है वहाँ से, और अपने लिए मैंने ये वाली सैंडल ख़रीदी थी। और दूसरा ये वाला डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया था, ये लाई हूँ मैं, और जो कि ये फ्लैटर में थी, वो हील्स में थी, और दोनों काफ़ी प्यारे डिज़ाइन थे। और जैसे कि मेरा बेटा जा चुका था स्कूल, और ये देखें ये पता नहीं क्या इसमें अशर्फियाँ रखी हैं उसने, और ये इसने बैग बनाया हुआ है, और ये क्यूब पज़ल है जो एक साइड से उसने सॉल्व की है, बाकी साइड से उसे सॉल्व नहीं हुई है ये। और रात के टाइम इन सब चीज़ों से खेल के इस तरह से फैला के रखता है सारा सामान अपना, सारे टॉयज़ ये देखें। और जब वो स्कूल चला जाता है मॉर्निंग टाइम में, तब मैं यहाँ से सारा क्लीन करती हूँ। और ये देखें कितनी क्यूट सी छोटू सी कार है, कितनी प्यारी। और ये मेटल वाली कार है जो कि बहुत ही प्यारी है, ये अभी हमने इसे गिफ्ट करी थी जल्दी में, और इसके डोर भी ओपन हो जाते हैं, और काफ़ी प्यारी ये कार थी। ये देखें कि कितना प्यारा इसका लुक है, कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग है। और वैसे भी मेरे बेटे को रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है टॉयज़ में, बट अभी थोड़े उसके कम हो गए हैं रेड कलर के टॉयज़, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैंने थोड़े कम कर दिए हैं उसके रेड कलर के टॉयज़। और ये एक बाइक है उसकी, जो उसके मामा ने उसे गिफ्ट की थी काफ़ी दिन पहले, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ये भी। और अगर मैं रात में ही ये सारी टॉयज़ हटा के रख देती हूँ तो वो रोने लग जाता है, इसलिए जब वो स्कूल चला जाता है तब मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ, क्योंकि उसे पता होता है कि मम्मा क्लीनिंग करेंगी, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हटा के ही करेंगी। और
तो मैं इसके टॉयज़ का कलेक्शन आपको दिखा रही थी आज, क्योंकि ये थोड़े से टॉयज़ इसके बाहर पड़े हुए थे। तो ये एक ड्रॉअर मैंने इसको दे रखी है कि ताकि सारे टॉयज़ अपने ये इसमें डाल दे छोटे छोटे, और यहीं से निकाल के वो टॉयज़ वगैरह यहाँ पे सजा लेता है और यहीं से फिर इनको वापस रख देता है। तो मैं सारे टॉयज़ उसके वापस यहाँ पे रख दूँगी क्योंकि मुझे करनी थी सफाई। और इसमें टॉयज़ नहीं आते हैं, एक बड़ी बास्केट भी मैंने उसकी टॉयज़ की बना रखी है अलग से, और एक अलग से साइड पर और इसके टॉयज़ पड़े रहते हैं, हर कहीं पे इसके टॉयज़ आपको मिल जाएंगे रखे हुए। और ये छोटे छोटे सा सामान है, पता नहीं, और ये छोटी सी सीज़र उसने ले रखी है क्यूब्स के साथ, और इनको मैं ऊपर ही रख दूंगी। और बाकी चीज़ें उसमें नहीं आ रही थी ड्रॉअर में, और ये गन्स भी है, ये उसने वॉलेट रखा हुआ है, और ये उसकी अशर्फियों की थैली जिसमें कि कॉइन्स भरे थे उसने पता नहीं क्या। और ये देखें क्या हालत करके रखी है उसने यहाँ पर, लैपटॉप के पास भी यहाँ पर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, और उसके कितना गंद मचाया हुआ है उसने यहाँ पर, अपना टॉयज टेपिंग करके रखे हुए हैं। और मैंने सारी बास्केट वो वाली क्लीन कर दी है, उसमें पेपर वगैरह उसने ड्राइंग करके रखे हुए थे, तो मैंने गन्स वगैरह उसकी वहाँ सेट की हैं, और इन्हें मैं नहीं छेड़ूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें उसके टॉयज़ हैं पबजी वगैरह जिनको वो हाथ नहीं लगाने देता है ज़्यादा। ये देखें, तो इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी। और सारे टॉयज़ मैंने इसके समेट कर एक साइड पर रख दिए हैं ताकि उसको इजीली मिल जाए आकर। और ये मैं पढ़ने लगी थी पारा। और इस महीने में कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम खाने में, डिशेस वगैरह ये सब बनाने में, इन चीज़ों में खर्च ना करें, इन चीज़ों में वेस्ट ना करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, और अपने अल्लाह को खुश करें, और अल्लाह से खूब सारी दुआएं करें, और अपनी उन दुआओं में मुझे भी याद रखें। और अल्लाह हम सबको खुश और आबाद रखे, और हम सबकी इबादतों को कबूल करे, और सबके रोज़े भी कबूल करे, आमीन। और उसके बाद में ये मैंने बनाने लगी थी चाय शाम की, और आज मैंने शाम का रूटीन आपके साथ शेयर नहीं किया है खाने का, और ये मैं दूध गर्म करने लगी हूँ, और चाय नहीं सॉरी ये कॉफ़ी बनाई है मैंने अपने हस्बैंड के लिए। और उनको लगी थी प्यास, तो पहले मैं उन्हें देने जा रही हूँ पानी, और ये वही क्यूट सी बोतल है, और काफ़ी सारा पानी इसमें आ जाता है, 6 से 7 ग्लास। और ये मैं घर पे ही दही बनाती हूँ, तो ये मैंने एक मिट्टी का बाउल ले रखा है, तो उसमें ही मैं दही घर पे बनाती हूँ। तो ये मैं दूध को गर्म कर रही हूँ, अच्छा सा बॉयल ले रही हूँ दूध में, और गरम दूध को ही मैं इसमें डाल दूंगी। और मुझे शहरी के लिए दही जमाना था, क्योंकि मैं मुझे देना था दही अपने हस्बैंड को, और मुझे भी दही बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।